लखीमपुर हिंसा के बाद आंदोलनकारी किसानों और प्रशासन के बीच समझौता। मृतक किसानों के परिजनों को 45-45 लाख रुपए और घायलों को 10-10 लाख रुपए की मदद का ऐलान। साथ ही हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को सौंपा गया जांच का जिम्मा। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज। हत्या और गैर इरादतन हत्या का आरोप। लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद बवाल के बीच प्रधानमंत्री मोदी का आज लखनऊ दौरा। सुबह 10:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में न्यू अर्बन इंडिया कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। 75 जिलों के 75,000 लाभार्थियों को घरों की चाबियां डिजिटल रूप से सौंपेंगे। लखीमपुर खीरी हिंसा के विरोध में कांग्रेस का आज हल्ला बोल। पूरे देश में प्रदर्शन। हर जिले में बीजेपी के दफ्तरों का घेराव करेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता। सीतापुर के जिस गेस्ट हाउस में प्रियंका गांधी को हिरासत में रखा गया है उसके बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल जलाकर जताया विरोध। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मांग की है कि लखीमपुर हिंसा के पीड़ित किसान परिवारों को 2 करोड़ का मुआवजा मिले। किसानों को भड़काने वाले केंद्रीय मंत्री के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाए। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर दोपहर 12 बजे अकाली दल ने बुलाई बैठक। आगे की रणनीति को लेकर होगी चर्चा। लखीमपुर हिंसा पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान। कहा, बीजेपी रामराज्य की बात करती है, ये रामराज्य नहीं किलिंग राज्य है। सीएम ममता बनर्जी के बयान पर विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का पलटवार। कहा, बंगाल में 55 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, किलिंग हब तो ममता का बंगाल है। चलिए अब वो खबरें देख लेते हैं जिनका सरोकार पूरे देश से है। केंद्र सरकार का पेंडोरा पेपर्स मामले की जांच संयुक्त जांच एजेंसी से कराने का फैसला। जांच की निगरानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के चेयरमैन करेंगे। गुलबर्गा सोसाइटी दंगा मामले में जाकिया जाफरी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दंगे में मारे गए कांग्रेस पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी है जाकिया। सरकार की ड्रोन पॉलिसी की सफल शुरुआत। मणिपुर में ड्रोन से 26 किलोमीटर दूर वैक्सीन की डिलीवरी की गई। दुबई एक्सपो में वेदांत ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल से एबीपी न्यूज ने खास बातचीत की। बोले, भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में मदद के लिए वेदांता $20 अरब का निवेश करेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर NCB ने शाहरुख खान के बेटे पर कार्रवाई शुरू की है। ड्रग्स केस में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन की NCB हिरासत बढ़ी है। कोर्ट ने आर्यन, अरबाज, मर्चेंट समेत सभी 8 आरोपियों को 7 अक्टूबर तक NCB की रिमांड पर भेजा है। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान ने बेटे आर्यन से फोन पर बात की। कानूनी प्रक्रिया के तहत NCB ने लैंडलाइन फोन से करीब 2 मिनट बात कराई। ड्रग्स केस में NCB ने श्रेयश नायर को गिरफ्तार किया। आज कोर्ट में होगी पेशी। आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट का दोस्त है श्रेयश। NCB ने एक ड्रग पेडलर को भी हिरासत में लिया है। जल्द हो सकती है गिरफ्तारी। MDMA और मेफ्ट्रिन बरामद। इस ड्रग पेडलर पर क्रूज में करीब 25 लोगों को ड्रग सप्लाई करने का आरोप। महाराष्ट्र से गिरफ्तार 3 संदिग्ध आतंकवादियों को कोर्ट ने 11 अक्टूबर तक ATS कस्टडी में भेजा। 4 दिन पहले हुई थी गिरफ्तारी। चुनाव की तैयारियों को लेकर गोवा में चुनाव आयोग की बड़ी बैठक। सभी दलों के नेता हुए शामिल। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पंजाब और राजस्थान की। पंजाब में सीएम चन्नी ने सिद्धू पर निशाना साधा है। ABP न्यूज के शिखर सम्मेलन में बोले पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू को आलाकमान ने चुना, रिजल्ट दें, अफसरों की नियुक्ति पर नहीं है कोई विवाद। पंजाब कांग्रेस में जारी विवाद पर बोले कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत, कांग्रेस में लोकतंत्र इसलिए अलग अलग आवाज, पार्टी से मिले सम्मान को भूले कैप्टन। ABP न्यूज के शिखर सम्मेलन में बोले सुखबीर सिंह बादल, अब की बार पंजाब के चुनावी मैदान में उतरेगी 2 कांग्रेस। कांग्रेस से सवाल, अगर चन्नी को सीएम बनाया तो सिद्धू को क्यों फैसले लेने का अधिकार। सुखबीर बादल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर साधा निशाना। कहा, 4.5 साल में कुछ काम नहीं किया, नाकामी छिपाने के लिए बेअदबी का मुद्दा उठाया, पंजाब का विकास अकाली दल की देन।
पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम के सवाल पर बोले सांसद भगवंत मान, चुनाव से पहले तय हो जाएगा चेहरा। मनीष सिसोदिया बोले सही समय पर पार्टी लेगी सही फैसला। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आज राजस्थान आएंगे, अशोक गहलोत के साथ बैठक। हरीश रावत भी चन्नी के साथ जा सकते हैं जयपुर। अपने राजनीतिक भविष्य पर राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का बयान, कहा कांग्रेस नेतृत्व लेगा सही समय पर फैसला, मैं कुछ नहीं कहूंगा। अब देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी लिए चलते हैं आपको, जहां दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी की से जुड़ी खबर। प्रयागराज के बागम्बरी मठ में महंत नरेंद्र गिरी की षोडशी आज, देश भर से हजारों की संख्या में साधु संत और अनुयायी जुटेंगे। श्रद्धांजलि सभा के बाद उत्तराधिकारी के तौर पर बलवीर गिरी का अभिषेक भी होगा। महंत नरेंद्र गिरी मौत केस में आरोपी आनंद गिरी, आरजा तिवारी और संदीप तिवारी की सीबीआई रिमांड खत्म, तीनों भेजे गए जेल, आज सीजेएम कोर्ट में होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में धर्मांतरण कानून पर सुनवाई आज, कानून के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका। सीएम योगी ने राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत गोपाल दास का अस्पताल जाकर हाल जाना, लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती है। अयोध्या में आज से रामलीला की होगी शुरुआत, यूपी के पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी करेंगे उद्घाटन, दूरदर्शन पर लाइव प्रसारण। चलिए कुछ और खबरें दिखा देते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई कुछ खबरें। मध्य प्रदेश में रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा ने अपनी पार्टी की सरकार पर सवाल उठाए, कहा गौशालाओं में जमकर हो रहा है भ्रष्टाचार, कांग्रेस ने सरकार को घेरा। उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को झटका, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने खंडवा से लोकसभा चुनाव लड़ने से इंकार किया। दिल्ली से रायपुर लौटे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 25 विधायक, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में विवाद सुलझने के कयास, 10 से 12 विधायक दिल्ली में ही रुके। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में दो समुदाय के बीच झंडा लगाने को लेकर विवाद, दोनों गुटों में मारपीट, कई लोग घायल, देवरपारा में तनाव के बाद धारा 144 लागू, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। बिहार और बंगाल की खबरों से भी आपको रूबरू कराते हैं, बिहार में महागठबंधन में दरार आने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन टूटने की ओर है, उपचुनाव में दोनों सीटों पर आरजेडी के खिलाफ कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। अपहरण के केस में जेल में बंद पूर्व सांसद पप्पू यादव को मधेपुरा की कोर्ट से जमानत मिली, अदालत ने सबूतों के अभाव में छोड़ दिया है। उपचुनाव में जीत के बाद भगवान के दर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, शीतला माता के मंदिर में किया दर्शन, गुरुद्वारे में मत्था भी टेका। लगातार बारिश से पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्से में बाढ़ के हालात, 6 जिलों में सेना से ली जा रही है मदद, सैकड़ों लोग बाढ़ में फंसे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।